सेहत की बात, ये मंच उन डॉक्टर्स के लिए है जो अपनी स्पेशलिटी सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी डॉक्टर मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि आइए अब आपकी स्पेशलिटी, जिस डिसीज पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी सटीक जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाइए और अपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से मरीजों तक पहुँचाए। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। कल हम देख रहे हैं कई अस्पतालों में जगह जगह पे अस्पतालों पर और डॉक्टर्स पर हमले हो रहे हैं, और ये नई बात नहीं है, लास्ट 10-15 सालों से ये चलते आ रहा है, मगर बात ऐसी है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और ये इतना सीरियस चीज हो गया है कि हाल ही में राजस्थान में हमारे डॉक्टर बहन डॉक्टर अर्चना शर्मा, जिनके दो बच्चे हैं, उनको खुदकुशी करनी पड़ी उनके ऊपर जो हमला हुआ उसकी वजह से। तो ये चीज़ें हमारे यवतमाल जिले में जो डॉक्टर धर्मकारे हैं उनके ऊपर दिन दहाड़े हत्या की गई, तो ये जो हमले हो रहे हैं ये तुरंत रुकने चाहिए। नंबर दो, सरकार से डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे हमले ना हो, ये हमारी मांग है। मगर काफ़ी सारी टाइम से बस से हम सरकार के साथ ही मांग करते हुए भी हमको कोई उतना भरोसेमंद उनके पास से नहीं मिल रहा है, इसलिए आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र राज्य ने ये फैसला लिया है। आज से हम महाराष्ट्र राज्य में कोड वायलेट लागू कर रहे हैं, कोई भी वायलेंस रहेगा हमको सबसे पहले लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि वायलेंस ये कोई चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। नंबर दो, डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट करते हैं एक शास्त्र के अनुसार करते हैं, ये कोई दैवी शक्ति नहीं होती है, डॉक्टर आपके जैसे ही इंसान होते हैं, मगर ये शास्त्र के नुकसान अनुसार जो ट्रीटमेंट करते हैं, एक चीज़ ध्यान में रखो, कोई भी शास्त्र को लिमिटेशंस होते हैं, वैसे वैद्य के शास्त्रों को भी लिमिटेशंस है। जहाँ हम लड़ाई नियति के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो दिखती नहीं है अपने को, जो लड़ाई नियति के खिलाफ लड़ी जाती है, ये शास्त्र को लिमिटेशन होने की वजह से कई बार डॉक्टर्स के हाथ बंधे होते हैं। कोई भी डॉक्टर इस तरह से कोई आरोग्य सेवा नहीं देता है और ये नहीं सोचता है देते वक्त कि हमारे पेशेंट को कोई बुरा हो, पेशेंट को अच्छा करने के लिए ही डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं, मगर कभी कभी दुर्दैव से ऐसा होता है, कुछ हम होते हैं, कुछ गलत चीज़ें होती हैं, तो उसमें डॉक्टर्स को दोषी मानना और उनके ऊपर वायलेंस करना हॉस्पिटल स्टाफ के थोड़ा सा गलत बात है। और हमें आपत्ति ये बातों से हम दरपास लोगों से करेंगे कि ऐसे वायलेंस को ना करें। सर, आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कह रहे हैं कि इसमें जो है बहुत तकलीफ हुए, क्या है और क्या होना चाहिए? इंश्योरेंस पॉलिसी का बेसिक मतलब ये रहता है कि अगर मैं मेरा इंश्योरेंस निकालता हूँ तो मेरी जो ट्रीटमेंट है वो इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत फ्री होनी चाहिए। जो मेरा इंश्योरेंस का कवरेज अमाउंट रहेगा वो अमाउंट के दायरे में अगर खर्चा रहेगा तो उस तरह से इंश्योरेंस क्षेत्र से वो पैसा आना चाहिए। मगर आज की तारीख में उनमें ऐसे हिडन क्लॉजेस होते हैं कि इंश्योरेंस का कवरेज का क्षेत्र होने के बावजूद पेशेंट को खुद के जेब से कुछ ना कुछ रकम देनी पड़ती है, खर्चा करनी पड़ती है, जिसकी वजह से लोगों के जेब पे खर्चा आ रहा है सर। इंश्योरेंस के मौजूद ये गलत चीज है। मेडिसिन के रेट्स भी जो है आप उस पर मेडिसिन के रेट के बारे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का क्लियर स्टैंड है। सरकार आज क्या कर रही है, डॉक्टर लोगों को बोल रही है तुम इतना ही चार्ज लो, तुम उतना ही चार्ज लो। अगर ये सीबीसी बात वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कहे कि हाँ एक ड्रग का प्रोडक्शन कर रहे, चाहे 100 कंपनियां करे या 10 कंपनियां करे, मगर जब एक ड्रग का प्रोडक्शन हो रहा है तो ड्रग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी पेशेंट को एक ही रेट में मिलना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं एक कंपनी एक गोली 10 रुपए में बेच रही है, वही गोली दूसरी कंपनी अलग लगा के 100 रुपए में बेच रही है, ये कौन सा तरीका है? इसकी वजह से पेशेंट्स की जेब में बाहर पड़ना है, इसका वजह ये है। अगर ये सरकार करे एक देश एक दवाई और एक कॉस्ट, सबको एक ही कॉस्ट मिले, अगर ये करे सरकार लोगों के जेब में जो आर्थिक भार पड़ रहा है उसमें करीबन 40% कितनी कटौती आएगी, यही इंडियन मेडिकल का स्टैंड है। और ये जो सब मैं आपको बता रहा हूँ ये हम लोगों के लिए झगड़ा कर रहे हैं।
सर दिन ब दिन कॉरपोरेट हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से जो डॉक्टर रहते हैं फैमिली फिजिशियन, इनके ऊपर का विश्वास कम होते जा रहा है, इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? सही सवाल है ये बिल्कुल। देखो कॉरपोरेट बिजनेस मॉडल हॉस्पिटल्स में किस तरह का बिलिंग होता है, उनके सर्विसेज क्या होती है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है। उसके उपरांत जो हमारे सर्विस सेक्टर आईएमई का हॉस्पिटल है उसमें सर्विस ओरिएंटेड सर्विस होती है, मगर जब कॉरपोरेट अस्पतालों में जो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा खर्चा होता है उसका दोष डॉक्टर्स पे आता है, हालांकि डॉक्टर्स को उसमें कोई भी रोल नहीं रहता है, ये सब रोल जो रहता है कॉरपोरेट हॉस्पिटल जो चलाते हैं उनके पास रहता है। आज डॉक्टर जो जाते हैं उधर काम करने के लिए जाते हैं, वो उनका राउंड लेते हैं, ऑपरेशन करते हैं, राउंड लेते हैं और अपने घर पर चले जाते हैं, उनका कोई भी रोल या एडमिनिस्ट्रेशन में या बिलिंग में नहीं रहता है, ये लोगों ने जानना बहुत जरूरी है। मगर दुर्भाग्यवश डॉक्टर्स के सर के ऊपर इसका पूरा दोष जाता है और ये सब बार बार पिछले 3 दशकों से होते आ रहा है। यही वजह है जो 3 दशक पहले फैमिली डॉक्टर के कंसेप्ट और डॉक्टर्स के ऊपर इतना विश्वास था, आज लोगों का विश्वास नहीं रहा है, इसका वजह ये है। सर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आने का क्या मकसद है, ये पेशेंट चाहता है क्या वीआईपी ट्रीटमेंट मिले इसकी वजह से आ रहे हैं या फिर डॉक्टर की तरफ से कुछ ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से हो रहा है? सर आपके सवाल में ही जवाब है बैठा हुआ। आप जो अभी एक शब्द इस्तेमाल किया है ट्रीटमेंट में, वीआईपी ट्रीटमेंट नाम का कोई भी चीज नहीं रहता है, वो गरीब हो या कोई बड़ा नेता हो, दोनों को ट्रीटमेंट कोई भी बीमारी के लिए सेम ही मिलता है। डॉक्टर्स कोई भी देखता नहीं ये गरीब है इसके लिए ये ट्रीटमेंट दो और ये श्रीमंत है इसके लिए इसको वीआईपी ट्रीटमेंट एक ही रहता है, उसको वीआईपी बनाते कॉर्पोरेट सेक्टर हॉस्पिटल से ध्यान में रखो, वो ये चीज वही है और इसकी वजह से ये सवाल का ये जवाब है आपके सवाल। थैंक यू सर। सेहत की बात, ये मंच उन डॉक्टर्स के लिए है जो अपनी स्पेशलिटी सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी डॉक्टर मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि आइए अब आपकी स्पेशलिटी जिस डिसीज पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी सटीक जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाइए और अपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से मरीजों तक पहुंचाएं। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।